क्लैट पीजी 2025 के एग्जाम के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज आया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा बहुत सारे डिटेल में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभलाओ के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब यहाँ पे जो मेजर चेंज आया है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो क्लैट पीजी का पैटर्न है और जो क्लैट पीजी का सिलेबस है वो गवर्न कैसे होता है, किस तरह से वर्क करता है। देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एट दिस मोमेंट है वो ये है कि हमारे जो तीन नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपका सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, बीएनएस, ठीक है, ये जो आपके तीनों हैं ये इस साल 2025 में क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सारा इसका जो है क्लैरिटी किसी के पास नहीं है और इसी चीज की क्लैरिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है इसके थ्रू मिलती है, जो कि बार काउंसिल ने यहाँ पे निकाली है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लैट पीजी से 2024 का इन्होंने सिलेबस दिया, ये चेंज नहीं होता है, 25 में भी सेम चीज ये लिख के देंगे। इसके अंदर जब इन्होंने पेपर के अंदर बताया कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो आप ध्यान दीजिए, लिखा है कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दैट इज द कीवर्ड। और जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि भाई जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होंगे, जो लॉ का करिकुलम होगा वो गवर्न होता है बार काउंसिल के द्वारा। उसके साथ में उन्होंने मेंशन करा एंड इंक्लूडिंग, उसमें उन्होंने क्या बोला है, क्रिमिनल लॉ बोला है। क्रिमिनल लॉ का मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आपके जितने क्रिमिनल लॉज हैं, पीएमएलए हो गया मान लो, और आपका बाकी जितने एक्ट होते हैं, यूएपीए, एनडीपीएस, जितने भी आपके क्रिमिनल लॉ के एक्ट होते हैं वो सारे के सारे इस एम्बिट के अंदर आते हैं। मतलब क्या है कि क्लैट पीजी 2025 में भी जब जुलाई में फर्स्ट को अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, दे विल नॉट क्लेरिफाई कि क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन क्या है, दे विल नॉट क्लेरिफाई इट। ये क्लेरिफिकेशन का और ये चीज आप खुद अंडरस्टैंड करो, ये स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे वो लोग कि भैया पेपर में क्या आएगा कैसे आएगा, दे विल नॉट क्लेरिफाई। बट कहीं ना कहीं हमें इस चीज की क्लेरिफिकेशन कहां से मिलती है, हमें इस चीज की क्लेरिफिकेशन मिलती है यहां से, जहां पे बार काउंसिल अपनी नोटिफिकेशन निकाल रहा है। यहां पे ये कुल मिला के आपकी 20 मई की नोटिफिकेशन एंड अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स, मैंडेटरी गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहां पे इन्होंने बोला। जिसमें कि देखो एक बात यहां पे पढ़ना आप लोग कि एनईपी 2020 के लिए ब्रॉड गाइडलाइंस, हम लोग यहां पे क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, और जो लीगल एजुकेशन है वो बाउंस काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्न होता है, जो कि लीगल प्रोफेशनल और लीगल एजुकेशन सब कुछ गवर्न करता है, और इनकी एप्लीकेशन और उसके लिए हम लोग फ्रेमवर्क सब कुछ डिजाइन करते हैं। बार काउंसिल के पास पूरी पूरी अथॉरिटी है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी। अब इस चीज को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये भी एक बार कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो यहाँ पे मेजर अपडेट आ रहा है पैटर्न का, वो चीज आपकी कोई कवर करवा के आपको दे, साथ ही में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए आपको, सारे सारे मॉक पेपर्स आपके पास रहे, आपको इस चीज का डाउट ना रहे कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे मुझे अपनी पढ़ाई को शुरू करना है, अगर आप अभी मझधार में हो तो आप प्लीज हमारे कंप्लीट एडमिशन कोर्सेस में आके एनरोल करिए। ये जो आपका कोर्स है ये 5 to 99 में 31 मई तक इस कोर्स का प्राइस रहेगा, मैं खुद वहां मेंटोरशिप के लिए रहूंगा। बेस्ट पार्ट इस कोर्स का ये है कि अगर आपकी रैंक अंडर 200 आती है, इफ योर रैंक इज अंडर 200, तो हम लोग संभव लॉ में आपके लिए सारे कोर्सेस उसके आगे फ्री कर देंगे। मतलब क्या है, अगर आपका अंडर 200 रैंक आती है, आप पीएसयू के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो उसके बाद अंडर 200 जितने स्टूडेंट्स रैंक लेके आएंगे, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हो, तो आपके लिए वो सारे के सारे कोर्सेज उसके आगे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सारी पढ़ाई का जितना भी टेंशन होगा, क्लैट पीजी से जुड़ी जितनी पढ़ाई होगी वो पूरा टेंशन संभव लोग खुद लेगा, मैं खुद लूंगा, आपको जरूरत ही नहीं कोई वैसा खर्चा करने की। दैट कोर्स इज फाइनल, मतलब एक बार आप ये कोर्स ले लो खत्म आपका, आपको उसका सोचने की जरूरत ही नहीं कि क्लैट पीजी की तैयारी मैं कहां से करूंगा, कैसे करूंगा, केस लॉस कहां से पढ़ूंगा, मॉक पेपर कहां से लाऊंगा, सारा का सारा टेंशन मेरा। आप आइए एनरोल करिए, वंस एनरोल्ड अगर आपकी रैंक 200 के अंदर आती है, यू विल गेट अ मतलब पूरा फ्री टाइम का आपका मेरा आपका साथ, मतलब फिर पूरे उसका, ये मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ। आप हमारे पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी सकते हो, उसके साथ में यहाँ पे अगर आपको केवल मॉक पेपर और ये भी चाहिए तो आप इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ भी वही क्लॉज है, अगर 200 के अंदर अंक आपकी आती है, पीएसयू के लिए तैयारी करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसके आगे आपका जितने कोर्सेज होंगे संभव लॉ के। और उसके बाद अगर मान लो आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हो सारे का सारे एग्जाम्स की, सीबीटी, आईएलआई जितने भी है, तो आप येलो कोर्स एनरोल करिए। यहाँ पे भी मेंटरशिप मिली रहेगी, आगे सब कुछ फ्री रहेगा आपके ऊपर है। बाकी अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करूं, पॉइंट ये है कि यहां पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू लीगल एनैक्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी करिकुलम। इन्होंने लिखा है कि विद द इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप देश के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, तीन आपके नए लाए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
और इन तीनों को यूनिवर्सिटीज के और जो सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन है उनके अकेडमी की 2024-25 के अंदर से इम्प्लीमेंट करना शुरू करना होगा। मतलब जिन बच्चों ने अभी 2023 दिसंबर में क्लैट 2024 दिया था, जब वो लोग एडमिशन लेंगे तो उनको नया वाला जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय संहिता जो भी है ये पूरा पढ़ाया जाएगा, नया वाला पढ़ाया जाएगा, पुराना नहीं नया वाला पढ़ाया जाएगा। विच मीन्स कि इस बार जब क्लैट पीजी का एग्जाम होने वाला है, जब वहां पे कंसोर्शियम ये बोलेगा कि क्रिमिनल लॉ आने वाला है, व्हाट दे मीन इज कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाला है भैया, बिकॉज बार काउंसिल ने अपनी तरफ से इस चीज के लिए बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कि ये आपका 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपेरेटिव है कि लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनको इंटीग्रेट करें अपने करिकुलम के अंदर और फ्यूचर प्रोफेशनल्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दे, ठीक है, एक उसको वो दे, और इसके लिए कंप्लायंस इशू करने के लिए बोला गया है यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज को, मतलब सारी के सारी नेशनल यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये आपका जो करिकुलम, ये आपका जो पर्टिकुलर आपका आया है, ये जो सर्कुलर है ये पूरी तरीके से बाइंडिंग है। मतलब जब 2025-26 के लिए एडमिशन लिए जाएंगे क्लैट पीजी 2025-26 के लिए, तो उस समय पे सिलेबस के अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिलेबस के अंदर होगा, तो एग्जाम भी उसी के बेसिस पे ही होने वाला है। तो मतलब इस चीज का कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है कि यहाँ पर BNS, BNSS और BNSA आने वाला है। IPC, CIPC एविडेंस को आप भूल जाओ, ये जो आपके नए अधिनियम है आपको इसको पढ़ने की जरूरत है, इसकी पढ़ाई अगर आपको करनी तो आप आइए संभव लॉ के अंदर, हम लोग आपको पूरा ये चीज पढ़ा के पूरा देंगे। जुलाई में जैसे इंप्लीमेंट होता है, जैसे ही डेवलपमेंट्स होती है, सब कुछ हम लोग वहां पे पढ़ाएंगे, तो प्लीज आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारा हाथ थामिए और तैयारी करिए अपने एग्जाम की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनको किस अपडेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।